हाय माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फैमिली। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फैमिली, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है किचन में। खाना क्या, नहाने के बाद क्या, मतलब किसी भी टाइम ना थोड़ा फ्री होके बैठो तो इतनी गर्मी हो रही है। इतनी गर्मी लग रही है ना, गर्मी की वजह से सर दर्द बहुत ज़्यादा, बॉडी पर इचिंग, मतलब रैसेस टाइप की बहुत ज़्यादा। क्योंकि पता है ना, गर्मियों में थोड़ी, गर्मियों में वो क्या बोलते हैं, घमौरी वगैरह हो जाती हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे थोड़े गले में हो रही है गर्मी, अगर सुकून नहीं है बहुत गर्मी हो रही है। तो फैमिली, बने रहे आप मेरे चैनल पर। तो आज मैं आपके सामने, मतलब आज मैं आपसे अपनी शादी की फ़ोटो, कुछ फ़ोटो शेयर करूँगी। फैमिली, मैंने बताया था ना आपसे, मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। तो बस था आपसे अपने शादी की फ़ोटो शेयर करना। तो बहुत मन है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं अपनी शादी की फ़ोटो आप लोगों से, क्योंकि आप तो मेरे फैमिली मेम्बर बन चुके हो। क्योंकि आप लोग मुझे इतना प्यार, इतना सपोर्ट कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा। तो बस प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ऐसे ही अपना प्यार, मुझे अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखना। तो फैमिली, मैं आपसे करती हूँ अपने फ़ोटो शेयर। तो ठीक है, मैं करती हूँ आपसे अपने फ़ोटो शेयर, अपनी शादी की फ़ोटो शेयर फैमिली। मैंने चाय बनाई है, सुबह मॉर्निंग में मैंने चाय नहीं पी थी क्योंकि चाय मुझे कुछ समझ में नहीं आई। बिट्टो को बस, बिट्टो पता है क्या करती है, बिट्टो ना हर बार चाय में चीनी हर बार ज़्यादा कर देती है। तो मेरा मन था चाय बनाने का, पीती हूँ ताकि थोड़ा सर दर्द ठीक हो सके। और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और ये नोनी मोनी बैठे हुए हैं, ये लोग भी बैठे हुए हैं पास में। इन्होंने क्या हुआ बच्चे, शायद हो क्या, शायद हो क्या आज? या आप लोग भी परेशान हो गर्मी से? आप लोगों को भी गर्मी लग रही है? कितनी कितनी गर्मी लग रही है नोनू मोनी? और नोनू मोनू कितनी कितनी गर्मी लग रही है? नोनू मोनू को कितनी कितनी गर्मी लग रही है? तो फैमिली आइए, चाय पी लीजिए, बताइए कैसी बनी है चाय। तो मैं पीती हूँ चाय और साथ में नमकीन भी है। खाइए खाइए फैमिली, नमकीन खाइए और साथ में चाय भी पी लीजिए। मिनों में बैठा हुआ है, बिल्कुल सैड बैठा हुआ है। पता नहीं क्या हुआ इसे, इसे पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं ये क्यों परेशान हो रखा, क्यों बैठा हुआ ये शेड शेड, क्यों शेड शेड बैठा हुआ है ये छोटा वाला। नोनी कैसे बैठा हुआ? खा लो भाई, खाओ खाओ खा लो खा लो खाओ बच्चों खाओ, कोई नहीं खाओ। आओ, नहीं खाना, नहीं खाना ना, चलो कोई नहीं, मत खाओ। तो फाइनली फैमिली, मैंने चाय पी ली है। तो फैमिली, आपको तो पता ही है हिंदू रीति रिवाज में लड़के वालों के यहाँ जनेऊ भी होते हैं, जनेऊ। तो ये तब की फ़ोटो है, ये देखिए फैमिली। आप इनके फेस से ही देख, आपके आप इनके फेस से ही गैस कर सकते हो कि कितनी कम एज होगी इस टाइम इनकी। ये देखिए फैमिली, मेरी फोटो पे भी कोई स्माइल नहीं है, कोई भी। ये फोटो तब की थी फैमिली, जब शादी वाले दिन जब लड़के को, दूल्हे को यानी कि मिला करके उनके जीजा लोग तैयार करते हैं। तो ये तब की फोटो है, तो इनके दोनों जीजा लोग तैयार कर रहे हैं इनको। ये देखिए, ये दोनों जीजा जी खड़े हुए हैं और साथ में पीछे अदर रिलेशन वाले। और ये इनकी सिस्टर यानी कि मेरी नंद खड़ी हुई हैं टीका करते हुए।
दादाजी खड़े हुए हैं साथ में, इनके दादाजी यानी कि मेरे दादिया ससुर, ये भी एक्सपायर हो चुके हैं। पीछे जिया जी खड़े हुए हैं, ये देखिए ये पापा जी खड़े हुए हैं, ये हस्बैंड हैं, इधर मम्मी खड़ी हुई है, पीछे मामा जी खड़े हुए हैं, फैमिली, ये सासू माँ बैठी हुई हैं कुएं पर। आपको तो पता ही है हिंदू रिवाज में किस किस तरह से, मतलब क्या क्या रीतें क्या क्या रिवाज होती हैं, आपको तो पता ही है फैमिली। तो ये बैठी हुई हैं सासू माँ कुएं पर, ये देखिए, ये माता मनसा देवी के मंदिर की फोटो है। आपको तो पता ही है फैमिली, हरिद्वार के अलावा यहाँ काशीपुर उत्तराखंड में माता रानी। तो ये फैमिली मेरी मम्मी जी, देख सकते हो आप, इन्हें कुछ आता पता ही नहीं था कि हाँ बेटी की शादी है, मतलब किस तरह से, क्योंकि फैमिली उस टाइम भी इनकी तबीयत ख़राब चल रही थी, बहुत ज़्यादा तबीयत डाउन थी उस टाइम मम्मी की। और ये पापा जी बैठे हुए हैं, ये तब की फ़ोटो है फैमिली, जब जयमाला के बाद स्टेज पर बैठ जाते हैं, तब की फ़ोटो है ये स्टेज की। ये देखिए फैमिली, मम्मी मुझे पैसे देते हुए, मगर मेरे चैनल पर मेरे फेस पर ना फैमिली बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई स्माइल नहीं थी, क्योंकि ये था ना फैमिली, इतनी सी छोटी सी एज में शादी, आपको तो पता ही है शादी के बाद लड़की की लाइफ चेंज हो जाती है, यानी कि मतलब दूसरे का घर परिवार किस तरह से लड़की सपेंड करती है, आपको तो पता ही है फैमिली, एकदम से एडजस्ट नहीं हो पाती है, टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो फैमिली मुझे भी बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हो फैमिली, मेरे फेस पर कहीं भी आपको स्माइल नहीं मिलेगी, क्योंकि टेंशन बस यही थी दूसरे के घर की जिम्मेदारियाँ, पता नहीं कैसे कैसे मैं निभा भी पाऊँगी या नहीं, तो बस। मगर क्या कह सकते हैं फैमिली, मम्मी उस टाइम बीमार चल रही थी, बस मम्मी भी थोड़ा यही सोच रही थी कि अपनी एक बेटी की शादी मैं अपने सामने कर देती हूँ। बोलती थी मेरे से, ऐसी बोलती थी कि पता नहीं मैं तुम्हारी शादी कर पाऊँगी या देख पाऊँगी नहीं, मतलब इस तरह से बोलती रहती थी। तो फैमिली मेरी शादी के बाद भैया की शादी भी करी उन्होंने, देखी, मगर मेरी छोटी बहन की शादी नहीं देख पाई वो फैमिली, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अफसोस है। अच्छा नहीं लगता फैमिली, बस याद ही है, बहुत बुरा लगता है माँ के बगैर। आप अच्छे से जान सकते हो एक बेटी माँ के बगैर कितना कितना, बस मैं बता नहीं सकती, बहुत अकेला फील करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है बहुत मम्मी के बगैर, बहुत ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ चली गई है मुझे छोड़कर, बहुत बुरा लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये फैमिली तब की फ़ोटो है जब कन्यादान करते हैं, तब की फ़ोटो है फैमिली, ये मम्मी बैठी हुई है, देख सकते हो फैमिली आप, इनके फेस से ही समझ सकते हो, ये मैं, मेरे हस्बैंड, ये देखिए फैमिली, ये फेरों की फ़ोटो है फैमिली, पीछे भैया खड़े हुए हैं, ये देखिए फैमिली फेरों की फ़ोटो, ये देखिए, ये तब की है जब सिंदूर की रस्म निभाई जाती है फैमिली। और ये ससुर खड़े हुए हैं आशीर्वाद देते हुए हम लोगों को फेरों के बाद। और ये तब की फ़ोटो है फैमिली, जब शादी के सारे कार्य कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद विदाई के टाइम पर दोनों ससुर लोग मिलते हैं एक दूसरे के गले, तो ये तब की फ़ोटो है फैमिली। ये देखिए फैमिली, बाबा जी खड़े हुए हैं, सुस्त खड़े हुए हैं इस टाइम, बहुत बुरा लगता है अपनी बेटी किसी दूसरे के हवाले, यानी कि किसी दूसरे को सौंप देना, बहुत माँ बाप का बहुत बड़ा कलेजा, बहुत बड़ा दिल होता है, अपनी बेटी ऐसे ही किसी दूसरों को सौंप देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि कल को वो लोग अपने घर में खुश भी रहेंगी या नहीं, मगर क्या करें फैमिली, दुनिया के रीति रिवाज हैं ये, आपको तो पता ही है फैमिली।
और ये सबकी फ़ोटो है, ये मेरी विदाई की फ़ोटो है फैमिली, ये मेरे मामा जी हैं विदाई के टाइम पर, ये देखिए फैमिली, ये मेरी भाभी खड़ी हुई है, पड़ोस में ही भाभी है मेरी, मगर अपनों से भी ज़्यादा मानती है मुझे ये। ये मेरे मामा जी हैं, ये साथ में मैं, ये देखिए फैमिली, पीछे हस्बैंड खड़े हुए हैं, इधर मामा जी और ये मैं खड़ी हूँ। तो ये लास्ट पिक्चर है फैमिली विदाई की, लास्ट यही फ़ोटो है लास्ट की फैमिली, ये देखिए। फैमिली पहले ये मेरी फ़ोटो थी स्टार्टिंग की, जब बेटी जब लड़की की फ़ोटो आती है स्टार्टिंग में दिखाने के लिए लड़के के घर वालों को, तो ये मेरी फ़ोटो आई थी फैमिली, देख सकते हो फैमिली आप मेरी एज देख सक लगा सकते हो, आप आइडिया लगा सकते हो, बहुत कम एज थी फैमिली, 17 साल की कोई एज नहीं होती है शादी की। ये देखिए फैमिली, मेरी फैमिली फ़ोटो, ये मैं खड़ी हुई हूँ, ये मेरा बेटा शनी, ये हस्बैंड के साथ में, हस्बैंड ने गोदी में ले रखा है फैमिली, और ये मेरी बिट्टो खड़ी हुई है। तो ये फैमिली अभी मैं बता रही थी आपको, तो ये मेरी फैमिली फ़ोटो है, ये मेरे हस्बैंड, मेरा बेटा और ये मैं, और ये साथ में मेरी बेटी। तो फैमिली मेरे दो बच्चे हैं, बड़ी बेटी है और छोटा बेटा, बड़ी बिट्टो इसका नाम, मेरी बेटी का नाम बिट्टो है और मेरे बेटे का नाम फैमिली सनी है। ये देखिए ये हमारी फैमिली फ़ोटो है फैमिली, ये देखिए मेरे दोनों बच्चों की बचपन की फ़ोटो, ये बिट्टो बैठी हुई है सनी के साथ में। तो फैमिली ये मेरे बच्चे हैं, दो बच्चे हैं फैमिली मेरे पास, बड़ी मेरी बेटी और छोटा बेटा, और अब मेरी बेटी लगभग हो चुकी है 14 साल की, कंप्लीट हो चुकी है, 15 साल में मेरी बेटी लग चुकी है, 10th क्लास में है इस बार, और ये मेरा बेटा सनी, तो ये भी फैमिली 12 साल का कंप्लीट हो चुका है, अब ये 13वें साल में लग चुका है, तो फैमिली पता नहीं चलता है टाइम का। ये फैमिली मेरी शादी के बाद की फ़ोटो है, शादी के बाद की करवा चौथ की फ़ोटो है फैमिली ये मेरी, तो आप लोग देख सकते हो फैमिली, ये देखिए फैमिली, आप लोग देखकर भी बोलोगे कि हाँ बच्चों की शादी हुई है, हम बड़ों की शादी नहीं हुई है, क्योंकि फैमिली हम लोगों की एज बहुत कम थी, 17 साल और इनकी 18 साल फैमिली, ज़्यादा एज नहीं थी हम लोगों की। ये देखिए फैमिली मेरी शादी के बाद की फ़ोटो, तो फैमिली बताना मुझे कमेंट करके। और ये सनी की बर्थडे की फ़ोटो, ये मेरे बच्चे खड़े हुए हैं फैमिली, फैमिली मिली अपनी नोनी मोनी से, ये इस टाइम खाना खाने में लगे हुए हैं, तो मैंने इन्हें अभी आमी डाली है काट करके, ये देखिए फैमिली ये खा रहे हैं दोनों बच्चे बैठे हुए, और ऊपर चल रहा है पंखा, आराम से बैठे हुए हैं ये लोग, क्योंकि फैमिली ये तो जानवर हैं, ये बेचारे मुंह से तो कुछ बोल नहीं सकते, बेजुबान जानवर हैं, तो ये क्या बोलेंगे कि हमें भूख लग रही है या हमें गर्मी लग रही है। मगर फैमिली में मैं इन लोगों को भी बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही प्यार करती हूँ, मैं ये नहीं कि हाँ ये जानवर है पता नहीं क्या कैसे, तो फैमिली ऐसा मैं कुछ नहीं मानती, कुछ नहीं समझती हूँ, मैं तो सिर्फ इन्हें बस इतना जानती हूँ कि ये बच्चे हैं बस, तो बेजुबान बच्चे बेजुबान जानवर समझ लीजिए। तो फैमिली बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट हैं ये बच्चे मेरे नोनी मोनी, ये देखिए फैमिली कितने प्यारे कितने मासूम लग रहे हैं खाना खाते हुए इस टाइम, ये ए टू जेड फैमिली सब कुछ ही खा लेते हैं, जैसे सब्जियां हो गई हैं, फल हैं, रोटियां, चावल, नमकीन, बिस्किट, सब कुछ खा लेते हैं फैमिली ये लोग। तो फैमिली आप लोग सर्च करिएगा इनका नाम गिनी पिक के नाम से, इनकी बहुत बहुत सारी वैरायटी निकल करके आएंगी। तो फैमिली बहुत से लोग इन्हें मतलब खरगोश समझते हैं कि ये खरगोश है, मगर नई फैमिली ये चूहे हैं गिनी पिग, ये मेरे गिनी पिग हैं फैमिली,
बहुत घुल मिल गए हैं अब तो, ये बहुत मेरी आवाज़ को इस तरह से। करते रहे, बस यही प्लीज आपसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी आप